ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में हुए भर्ती घोटाले की जांच अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कहना है कि प्राधिकरण में तैनात अफसरों, कर्मचारियों और जिले के कुछ नेताओं के रिश्तेदार घनिष्ठ और सगे संबंधी हैं। इन शिकायतों, इन नौकरियों में भर्ती की शिकायत मिली है। मनदीप दुली का कहना है कि मामले की जांच कराएंगे, अगर किसी वजह से गलत ढंग से लाभ उठाया गया है तो एक्शन होगा। उन्होंने बताया पूरे मामले की जांच की जा रही है, अगर गलत तरीके से भर्ती हुई है तो भर्ती निरस्त की जाएगी। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में कर्मचारियों की भी भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ अमनदीप दुबी का कहना है कि यह बात सामने आई है कि प्राधिकरण में पहले ही कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के सगे संबंधी और रिश्तेदार भर्ती हो गए हैं। ये जरूर देखने वाली बात है कि इन लोगों को फायदा कैसे मिला। 2-3 दिनों से ये शिकायत लगातार मिल रही है। अगली गड़बड़ी पाई जाती है तो निविदा समाप्त की जाएगी और दोबारा से नए सिरे से नए लोगों को भर्ती किया जाएगा। कुल मिलाकर प्लेसमेंट और निविदा के माध्यम से नौकरी पर रखे गए करीब 70 लोगों की भर्तियों पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। सेवन एजेंट प्रोसेस के थ्रू करा गया था तो प्रोसीजरल लैकुना कोई भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ निकल कर आया है तो दैट माइट बी ड्यू टू स्पिल ओवर ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी को इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का फायदा मिला हो या ऐसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अब सेवन एजेंट में जो कुछ भी होता है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस से नहीं, टोटल रैंडमाइजेशन से होता है। सो वी विल कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट अगर जो है ज्यादा रिलेशंस प्रूव होते हैं, एंड हम लोग एक नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे विच विल फॉलो द एंटायर प्रोसीजर्स ऑफ सेवन एजेंट।